यहाँ पे कुछ लग्जरी रूम बनाए गए हैं, अगर आप आकर यहाँ पे रहना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो इस जगह पे भी रुक सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए आप, मटकी के ऊपर मटके जो है पौधा जो लगाया गया है, ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे लोग यहाँ पे बहुत ही सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ पे पुष्प वाटिका जो है बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पे लोग जो है, लोगों की तादाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इस समय। ये आप देखिए दोस्तों, ये आप देखिए, देखिए दोस्तों, ये सारा जो पानी आप देख रहे हैं, ये जो नए घाट से निकलता है पानी, जहाँ पे सब लोग नहाते हैं, वही पानी ही ये सीधा इधर फिर डायरेक्टली जो है ये सरजू जी के नदी में फिर से मिल जाता है। जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ अयोध्या हाल्ट की तरफ, और आप सभी लोगों को सारी सुविधाएं दिखाऊंगा, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। और चलिए इस वीडियो को दिखाते हैं। और एक गार्डन भी बहुत अच्छा बनाया गया है, जो कि पूरा बहुत ही हरा भरा गार्डन है, एकदम फूलों से भरा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं इस जगह की खूबसूरती के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सरजू नदी का पानी है, जो कि नए घाट से होते हुए आ रहा है। यहाँ पर भी लोग नहाते हैं। बहुत ही अच्छा घाट, बहुत ही सुंदर घाट यहाँ पर बनाया गया है, इसको आप सभी लोग देख सकते हैं और इस जगह पे आके नहा सकते हैं। जो दीप उत्सव होता है दोस्तों, इन सारी घाटों पे जो है यहाँ पे भी दीप जलाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सभी जितने भी घाट अयोध्या में बनाए गए हैं, जैसे क्रमांक दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो दिया गया है, देखिए ये 47 है, तो ऐसे ही 47 ऐसे आए गए हैं। ये जो है 47 वाला नंबर का घाट है। और ये देखिए सामने जो है ये हाल्ट बनाया गया है लग्जरी, ये देखिए बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे अयोध्या हाल्ट जो है यह बनाया गया है। और देखिए यहाँ पे सुविधाएं बहुत अच्छी अच्छी होने वाली है इस जगह पे। और ये सामने आप देख सकते हैं दोस्तों, इस जगह पे आप जो है लड्डू वगैरह ले सकते हैं, जो यहाँ का जो है फेमस होने वाला है इस जगह पे। अभी जो है पूरा का पूरा जो है ये अभी रेडी नहीं हुआ है, बनकर जब रेडी होगा दोस्तों, तो यहाँ का जो सुविधा होगा बहुत ही लग्जरी होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, ये सामने आप देख रहे हैं संग्रहालय है। इसी जगह पे जो है, जो पुराने जो अवशेष निकले थे मंदिर से, जो जहाँ पे मंदिर बना हुआ है, इसी के अंदर रखा हुआ है अवशेष सारे। आप यहाँ की वीडियो देखना चाहें तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। इसका वीडियो मैंने बना रखा है। और देखिए ये इस पार एक पुल बनाया गया है, ये देखिए। और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है दोस्तों। ये जो है अभी बनके तैयार होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी ये कंस्ट्रक्शन का काम जो है चल ही रहा है यहाँ पे। यहाँ पे लाइटिंग देखिए दोस्तों, ये सारे बंदरों का करामात है, सारे लाइटिंग यहाँ पे तोड़ दिए गए हैं सब जो है। पूरा का पूरा तांडव मचा रखा है अयोध्या में। ये देखिए ये वाला लाइट भी टूटने वाला है, एकदम जो है लटक गया है। मतलब सुंदर तो बहुत, लेकिन यहाँ कर दे रहे हैं यहाँ पे बंदर लोग। आइए चलिए आपको थोड़ा सा ऊपर चल के दिखाता हूँ क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। ये देखिए, देखिए दोस्तों, अगर आप अपने से या फिर फोर व्हीलर कार से आते हैं, तो इस जगह पे पार्किंग बनाई गई है। और जो है ये पार्किंग आपका रास्ता जो है, जो सूर्य स्तंभ है, सूर्य स्तंभ के जस्ट बगल से ये रास्ता बनाया गया है। और ये देखिए इधर जो है ये रास्ता, एक जो है जो कोरिया पार्क है, उसी के जस्ट सामने से ही रास्ता है, आप इस जगह पर आ सकते हैं। देखिए काम यहाँ पे चल रहा है। अभी बिल्कुल जो है एकदम काम जारी है, एकदम बहुत तेजी से काम हो रहा है दोस्तों। आने वाले टाइम में ये बहुत ही सुंदर, ये जगह भी आपको अगर आप आते हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लगने वाला ये जगह। और ये देखिए रामकथा पार्क है,
इस जगह पे जो है जब बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, रामकथा वगैरह इसी जगह पे होते हैं। यहाँ पे कुछ लग्जरी रूम बनाए गए हैं, अगर आप आकर यहाँ पे रहना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं तो इस जगह पे भी रुक सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसका रेट जो है बहुत थोड़ा सा कॉस्टली होगा, लगभग 5 से 7 हज़ार 8 हज़ार रुपये जो है एक दिन का यहाँ का किराया है। और बहुत ही लेकिन कॉस्टली बनाया गया है, बहुत ही सुंदर बनाया गया है ये, जो कि तकरीबन 7 रूम यहाँ पे बनाए गए हैं। आप इस जगह पे भी आके रह सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनाया गया ये। देखिए यहाँ पे लोग भी रुके हुए हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, वो सारे लोग भी रुके हैं, और कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं वो लोग भी यहाँ पे ठहरे हुए हैं। यही है रामकथा पार्क, और इस जगह पे जो है बड़े बड़े कथाएं होती हैं, यहाँ पे रामलीला भी होती हैं, बहुत सारी चीज यहाँ पे होते हैं। ये देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे काम चल रहा है, काम जारी है, वही खड़ा है वही। देखिए चौधरी चरण सिंह घाट इसका नाम है दोस्तों, जिस पर जिधर अभी हम आए हुए हैं, चौधरी चरण सिंह घाट है। और इस जगह पे जो है क्रूज लाइन भी है इस जगह पे, जहाँ ये रास्ता जो जाता है वहीं पे क्रूज भी खड़ा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए बहुत अच्छी प्रतिमा भी बनाई गई है चौधरी चरण सिंह की, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है। और ये रास्ता आपको सीधा लेकर जाता है, जो कि पुल है जो कि गोंडा की तरफ जाता है, उस पुल के नीचे ही लेकर जाता है ये रास्ता आपको। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये सारे जो है डिब्बा रखे हुए हैं, जो यहाँ पे जो है यहाँ का जल बिकता है। अगर आप यहाँ से कोई लेकर जाना चाहता है यहाँ सरजू जी का जल, तो यहाँ से ले जा सकता है। देखिए दोस्तों ये सारा जो पानी आप देख रहे हैं, ये जो नए घाट से निकलता है पानी, जहाँ पे सब लोग नहाते हैं वही पानी है, ये सीधा इधर फिर डायरेक्टली जो है ये सरजू जी के नदी में फिर से मिल जाता है। बहुत तीव्रता से निकल रहा है ये पानी। यहाँ पे कुछ बैग वगैरह, चश्मा वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इस जगह पे जो है ये सारे दुकान भी लगते हैं। आइए थोड़ा सा और आगे आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कुछ और अलग चीज़। देखिए दूसरे टाइप का जो बनाया गया कितना सुंदर लग रहा है, त्रिशूल टाइप का। और इसमें जो है ये फव्वारा भी लगाया गया, देख लीजिए ये, इस पर भी आप यहाँ पे भी, और इस जगह पे भी आप आके रह सकते हैं, रुक सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टेंट सिटी बनाया गया है यहाँ पे। और इस जगह पर अगर आप रुकना चाहें तो यहाँ भी आकर आप रुक सकते हैं, तो चार्ज देना होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी दी गई है, लेकिन ये देख सकते हैं आप। और यही जो है पार्किंग के तरफ से ही रास्ता जाता है, जहाँ पे जो है मृतक शरीरों को भी आगे लेकर जाया जाता है। यहाँ पे दाह संस्कार भी होता है आगे, इसी जो ये पुल के जस्ट बगल में ही दाह संस्कार भी यहाँ पे किया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्रूज लाइन कैसे बनाया गया है यहाँ पे, जहाँ पे जटायु क्रूज भी खड़ा हुआ है, जिसका वीडियो मैंने बनाया था। और आपको दिखाता हूँ इस समय उसकी क्या हाल है, क्या पोजीशन है उसका, और अंदर लेकर चलता हूँ यहाँ पे जो है जटायु क्रूज लाइन कैसा है आपको दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए इतना खूबसूरत बनाया गया है, यहाँ पे रात का दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना सुंदर दृश्य है यहाँ का। यहाँ पे जो है फूल वगैरह लगाए गए हैं, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे जो है पुष्प वाटिका टाइप का कुछ बनाया गया है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे फूलों की जो है तादाद ज़्यादा है यहाँ पे। और देखिए कितना सुंदर सुंदर यहाँ पे बनाया गया है। आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें जो अभी कंस्ट्रक्शन में है और चल रहा है इसका काम दोस्तों, जब ये बनकर तैयार होगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा यहाँ पे। ये देखिए अभी ये बन ही रहा है, लेकिन हाँ बस कुछ ही टाइम में ये बनकर जब तैयार हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा यहाँ का दृश्य। यहाँ पे क्रूज लाइन की जो पार्किंग बनाई गई है अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ चल के। लेकिन इतना सुंदर सुंदर यहाँ पे पेड़ पौधा लगाया गया है, देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया बढ़िया यहाँ पे फूल लगाया गया है, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे।
एक से बढ़ के एक पेड़ पौधे यहाँ पे, फूल यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बहुत सुंदर सुंदर पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं। आइए दिखाते हैं आपको यहाँ पे, चलिए देखिए आप। यहाँ पे जैसे आ गया है ये देखिए आप, ये देखिए उत्तर प्रदेश का भी यहाँ पे, उत्तर प्रदेश पर्यटन का जो है दर्शनों का बोर्ड लगाया गया है यहाँ पे, और कुछ वाटिका का भी बोर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं लगाया गया है। कितना सुंदर सुंदर पौधा यहाँ पे, ये आप देखिए दोस्तों, ये आप देखें। जैसा कि आप देख रहे हैं ये देखिए, इतना सुंदर जगह बनाया गया, देख लीजिए आप। मतलब इस जगह पे लोग भी आ रहे हैं, इस समय बहुत ही भीड़ यहाँ पे भी होने लगी है। अभी रात का टाइम हो गया थोड़ा सा, और शाम को बहुत अच्छी भीड़ थी यहाँ पे। थोड़ा सा जो है रात का टाइम में थोड़ा सा आउट में पड़ जाता, थोड़ा सा जो है यहाँ पे जो है ये, अगर ये लता मंगेशकर चौक के पास ही थोड़ा होता तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती यहाँ पे। लता मंगेशकर चौक के पास ही थोड़ा होता तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती यहाँ पे, लेकिन हल्का सा वहाँ से थोड़ा सा हटके है, लगभग यहाँ 300-400 कदम की दूरी पे है वहाँ से, इसीलिए यहाँ पे लोग अभी नहीं जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लोग आते हैं तो यहाँ पे कुछ टाइम बिता के ही जाते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ लाइटिंग भी लगाएगी, कितना अच्छा लाइटिंग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे व्यवस्था गजब की होने वाली है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा वाटिका का, और लोग यहाँ पे आते हैं तो रुकते हैं कुछ टाइम के लिए। आइए दिखाते हैं आपको क्रूज, जो जटायु क्रूज था वो कहाँ पे रखा हुआ है, ये आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे क्रूज, जो आपने जो है जटायु क्रूज का जो वीडियो बनाया था, जटायु क्रूज यहाँ पे खड़ी हुई है। और दोस्तों इसका कारण यह है, मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ, इसका कारण यह है खड़ा होने का, क्योंकि सर्दियों में अभी पानी बहुत ही कम हो चुकी है, और इसके लिए जितना पानी चाहिए उतना पानी अभी है नहीं, और जब उतना पानी हो जाएगा सर्दियों में तभी इन सारी क्रूज़ों को जो है फिर से चलाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, अभी बहुत ही वाटर मेट्रो भी आया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर खड़ा हुआ वाटर मेट्रो, और 3 से 4 मेट्रो अभी, ये देखिए आप पूरा देख सकते हैं, ये पूरा जो है सरयू नदी है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे टूर पिकनिक, और जो है यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं। देखिए यहाँ पे सारे जो लोग हैं घोड़े भी लगा रहे हैं यहाँ पे, पिकनिक के लिए आए हुए हैं सब लोग, दूर दूर से यहाँ पे लोग भी पिकनिक पे आते हैं, और इस समय बच्चों को भी अपने स्कूल से अपने कॉलेज से जो है बच्चों को लेकर आते हैं यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए। देखिए कितना सुंदर बनाया गया ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है भगवान श्री राम का नाम यहाँ पे दिया गया है, और जय श्री राम लिखा गया है यहाँ पे, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार का एक लोगो बनाया गया है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार जो है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, ऐसा जो है यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है, और यहाँ पे जय श्री राम यहाँ पे लिखा गया है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे लोग यहाँ पे बहुत ही सेल्फी ले रहे हैं, यहाँ पे पुष्प वाटिका जो है बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पे लोग जो है, लोगों की तादाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इस समय जो है लोग यहाँ पे बहुत आ रहे हैं, और अभी तो यहाँ पे ये अभी बहुत लोगों को पता ही नहीं है यहाँ पे बैठने के लिए, पर धूप है तो धूप में यहाँ पे आप जाके यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे लोग, ये देखिए यहाँ पे कितना सुंदर बनाया गया है, लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे जो है
बहुत ही सेल्फी वगैरह बहुत ही खींचते हैं। और देखिए यहाँ पे ये पुष्प वाटिका यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, पुष्प वाटिका के नाम से इसको जो है गार्डन को जाना भी जाता है। ये देखिए भगवान राम और लक्ष्मण का जो है यहाँ पे एक छोटा सा जो है पोस्टर भी बनाया गया है। ये देखिए आइए आपको थोड़ा सा और दिखाते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ आप थोड़ा सा इधर आते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फूल पौधे लगाए गए हैं। ये देखिए दोस्तों इधर आएंगे तो आपको यहाँ पे बैठने की व्यवस्था भी है, आप यहाँ पे अंदर जाके जो है बैठ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए इतना अच्छा यहाँ पे जो है ऊपर छप्पर टाइप का बनाया गया है, यहाँ पे आकर आप जो है आराम भी कर सकते हैं। और ये देखिए ये भी बनाया गया है, अंदर बल्ब भी लगाए गए हैं, यहाँ पे बल्ब की व्यवस्था यहाँ पे दी गई है। ऊपर आप देखते हैं तो ये देखिए आप कितना सुंदर बनाया गया है, यहाँ पे नीचे जो है बैठने की व्यवस्था दी गई है। ये देखिए लोग यहाँ पे बैठे भी हुए हैं और रात में इसकी जो है व्यवस्था और भी अच्छी हो जाती है, बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है। यहाँ पे लाइटिंग, ऐसी लाइटिंग की जो है व्यवस्था यहाँ पे की गई है कि यहाँ का जो है देखने का जो है और भी नज़रिया और चेंज हो जाता है लोगों का। देखिए यहाँ पे मटकी ऐसे, और ये देखिए आप मटकी के ऊपर मटके जो है पौधा लगाया गया है, ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे लोग यहाँ पे बैठ के फोटो वगैरह खिंचाते हैं। देखिए ये देखिए ये देखिए, और इन सब चीज़ों को जो है अभी बनाया जा रहा है। अब बाकी जब लाइटिंग यहाँ पे हो चुकी है सारी, और जो है यहाँ पे बाकी कुछ चीज़ें जो हैं बनने को जो है अभी तैयार नहीं है, बनने को अभी इसको बनाया ही जा रहा है। और देखिए यहाँ पे बाकी फूल पौधे वगैरह भी थोड़ा लगाए गए हैं, लेकिन अभी उतना खूबसूरती नहीं क्योंकि यहाँ का जो है अभी काम ही चल रहा है। लाइटिंग भी देखिए यहाँ पे छोटे छोटे लाइटिंग भी लगाए गए हैं और खूबसूरत भी लगती है रास्ते में देते हैं तो। ये देखिए यहाँ कंक्रीट वगैरह भी रखा हुआ है, और बाकी जिधर का जो है जहाँ पे फूल वगैरह लगाए गए हैं वो उन सारी चीज़ों को जगहों को भी स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन अभी इस जगह को भी स्टार्ट नहीं किया गया है। ये भी बन के तैयार हो जाएगा कुछ दिनों में, तब ये देखने में और भी खूबसूरत और भी अच्छा लगेगा। और अगर आप इस जगह पे आना चाहते हैं दोस्तों तो ये जो है यहाँ पे जो है चौधरी चरण सिंह घाट के जो है जस्ट सामने ही है, अगर आप चाहें आना यहाँ पे तो आ सकते हैं। देखिए ये भी बनाया गया है, इसी पार्क के अंदर का ये जो है पार्ट है, और ये देखिए अभी इसको स्टार्ट नहीं किया गया है। ये पता नहीं किस चीज़ के, हमारी शायद ये भगवान राम की मूर्ति होगी क्योंकि हाथ में धनुष है, और ये गुफा टाइप का ही बनाया गया दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप बगल में ही ये पार्क है जिधर अभी हम गए हुए थे, ये पार्क है इतना जगमग। ये देखें तो ये रास्ता आपको सीधा लेकर जाता है नए घाट की तरफ। देखिए ये सरजू अतिथि गृह है जहाँ पे हेलीकॉप्टर का जो है यहीं से ही टिकट मिलता था जब यहाँ पे हेलीकॉप्टर चलाए जा रहे थे, और अब तो फिलहाल बंद है इस समय। ये सारे जो है पॉट हैं फूलों के जो है यहाँ पे गुलदस्ते लगाए गए हैं, बहुत सारे यहाँ पे पूरे रास्ते पे आपको ऐसे जो है पौधे देखने को मिलेंगे जो कि फूलों से भरे हुए हैं। ये देखिए पूरे रास्ते पे, अगर आप उधर देखते हैं तो उधर भी है, और जो है हर तरफ अगर आप उस रास्ते पे जाएंगे तो उस रास्ते पे भी है, हर तरफ ये जो है यहाँ पे बनाया गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए कितना सुंदर बनाया गया है यहाँ पे, ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा फूलों से एकदम बनाया। देखिए एकदम नेचुरल फूल है यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह के फूल नहीं है कि आर्टिफिशियल हो, ये बिल्कुल नेचुरल है। और अंदर की तरफ देखेंगे ये पार्किंग है यहाँ का, इस जगह पे आप जो है अपनी गाड़ियाँ जो है फोर व्हीलर टू व्हीलर कोई भी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। ये देखिए यार ये पूरे रास्ते पे बनाया गया दोस्तों। दोस्तों हमारे इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो जानकारी तो प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी वीडियो हमने इस चैनल पर दोस्तों लाते रहते हैं,
और आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राम दोस्तों।